आवाज न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं पत्रकार सादाब अंसारी, मैं इस समय लोकसभा 74 मछली सर यहाँ पर मौजूद हूँ। जैसा कि भरोसा में यह पड़ता है, आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आग लग गई। आग लगने का कारण यहाँ पर अभी पता नहीं चल पाया। कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि आग बुझाने की कोशिश गाँव के सहयोग से कर रहे हैं और 1.5 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड आया और आग को बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया है। और यहाँ लगभग जो है 80 कुंटल जो है अनाज और कई बकरियां जो है जलकर खाक हो गई हैं। आइए जानने की कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आग लगा है, कारण क्या है। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। सर, हमारा नाम अनिल कुमार पाल, पिता का नाम राज बहादुर पाल, ग्राम भोरास, पोस्ट बारी आने वादा मड़िया। जैसा कि ये आग जो लगी है, किस कारण लगी है? सर, इसका तो हमें पता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे खाना पीना बनाने के बाद सब परिवार बाहर निकल गया, वहाँ पे जानवर थे। उसके बाद जब आग लग गई तो पता चला, तो हम सभी लोगों ने जाकर दौड़ के वहाँ पे गए। उसके बाद हमारे ये भाई साहब हैं, उन्होंने जाकर के 2-3 बकरियों को बचाया, बाकी और हम सब बचा नहीं सके किसी को। और आग इतनी भीषण थी सर कि आप देख सकते हैं, ये नज़ारा आपको दिखेगा, आप खुद उससे संज्ञान में आपको होगा, आप समझ जाएंगे कि आग कितनी भीषण थी। आग कितने बजे लगी थी? आग करीब 12-1 बजे के बीच में लगी थी सर। तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की कुछ व्यवस्था है कि नहीं? जी सर, फायर ब्रिगेड की टीम आई थी, वो है 1.5 घंटे और वो भी करीब 1.5 से 2 घंटे बाद आई थी। पुलिस प्रशासन के लोग भी आए थे। अथक प्रयास के बाद और सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान रहा है सर, तो ये जनमानस आपको दिख रहा है यहाँ पे। अभी तो संख्या लगभग कम हो गई, लेकिन जब आग लगी थी कम से कम 500-700 आदमी आके मौजूद। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? सर, यहाँ तो ये कपड़े, ये हमारे घर की औरतें हैं, आप सब ये देख लीजिए, यह परिवार के सभी औरतें हैं, ये हमारे चाचा जी हैं, ये पिताजी हैं, ये भाई साहब हैं। बस सर, उतना ही बचा है हमारे पास कि जितना हम लोग कपड़े पहने थे, न तो हमारे पास खाने के लिए कुछ बचा है, क्योंकि उसी घर में सब कुछ था, न तो जानवरों खाने के लिए है। अभी गेहूँ जो पैदा हुआ है, अनाज, गेहूँ, चावल, दाना, भूसा, सब उसी में था सर, सब जल के नष्ट हो गया। बाकी सर 6 मवेशी थे, उसमें थे तो 10 ठो, लेकिन 4 ठो भाई साहब ने बचाया और बचाने का प्रयास किए, तो उनके ऊपर सर आग गिर गई, अपना जान बचा के भागे। बाकी 6 मवेशी हमारे जल के उसी में राख हो गए, जो कि आप देखना चाहें सर तो अभी भी उनकी लाश वहाँ पे पड़ी हुई है। मतलब आपके कहने का मतलब कि जो बकरियां थी जिसमें 10 में से 6 जल गई हैं? जी सर। और अनाज जो खाने का था सब जल चुका है? जी सर, अनाज सर, अनाज पूरे परिवार का, पूरे परिवार का, इसमें करीब 42 परिवार रहते हैं सर, सब मकान बना के थोड़ा बाहर रहते हैं, लेकिन दाना, भूसा, खाने पीने की सारी सामग्री सर उसमें रखी, पूरे परिवार की, पूरे परिवार की सर, संयुक्त सब लोग उसी में रखते हैं। इस समय प्रशासन से क्या सहयोग चाहते हैं? सर, हम यही चाहते हैं कि जो भी उचित हो, जो भी लगे आपके सामने है, क्योंकि अब इतना ही हमने बता दिया तो आप समझ सकते हैं, सिर्फ जो कपड़ा पहना गया है उसके अलावा न तो हमें खाने के लिए कुछ बचा हुआ है, न तो जानवरों को खाने के लिए बचा हुआ है। लेकिन सर, हमें दुख इस बात का है कि हमारे ग्राम सभा के 4-6 किलोमीटर के लोग, जितने भी लोग थे, सुनने के बाद सब यहाँ पे आ गए, लेकिन प्रशासन भी आ गया, 1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम आई, लेकिन राजस्व विभाग का कोई कर्मचारी यहाँ पे नहीं। सूचना दी गई थी उन लोगों को? सूचना सर, हमने SDM को फोन किया, तहसीलदार को फोन किया, DM जौनपुर फोन किया, यहाँ पे जब फोन नहीं रिसीव हुआ, किसी का नेपाल साहब के द्वारा से जब बात किया गया तो बोले छुट्टी पे हैं, तो सर वहाँ से हमने फोन किया, लेकिन यहाँ पे राजस्व विभाग की सर कोई टीम नहीं आई मुआवजा करने के लिए, जो कि कितनी बड़ी भीषण घटना है आप देख। बाकी सर, ये हमारे घर की औरतें हैं, सब लोग रो रहे हैं, तभी से हम लोग सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन सर जो मवेशी जले हैं, खाने के लिए कुछ अनाज नहीं बचा हुआ है, अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं? आपका कारण पता चला ही नहीं? आपका कारण साहब, अब घर के चाची सर उनसे पूछी कुछ नहीं बचा, एक बकरी बेची है हल्का पूरा जो कुछ नहीं बचा। चाची, चाची,
दाना भूसा सब एक ही परिवार के हैं क्या? एक ही सब सही अलग अलग साथ हैं कई परिवार सब भाव सब सात भाई हैं हम लोग सबका जो है हम लोग सात भाई हैं सबका समान इसी बकरी में 11 घर की बकरी है और सबका पेटी पिटारा दाना भूसा सब इसके अंदर था और बकरी हमारी कहीं से चू नहीं रही थी। हर चौथे साल हम लोग इसकी रिपेयरिंग करवाते थे और ऐसा हो गया कि कुछ कहा नहीं जा रहा है। नुकसान इतना ज़्यादा हो रहा है हम लोग खाएंगे क्या। कम से कम 52 बच्चे हैं 52 परिवार हैं हम लोग सब मिला के साथ में पुराने में। अब सात लोगों में कम से कम 52 लोग हैं और कपड़ा लत्ता एक भी नहीं बचा है। जानवर जो अंदर परिवार डेली बांधते थे वो भी बांधे थे, उसमें से एक दो बकरियां ये मेरा भतीजा बचा सका, इसके बाद वो नहीं बचा सका क्योंकि लपट इतनी ज़्यादा थी सब उसी में जल गए। चार चार पांच पांच मशीनें चौतरफा चलती थी, कम से कम 10 गांव के लोग यहाँ लगे थे, बल्टी लोटा नल कुआं से पानी डालना सारा चीज़ चल रहा है। अभी चल रहा है पानी, अब देख रहे हैं पाँच पाँच मशीनें और 1.5 घंटा बाद फायर ब्रिगेड वाले आए बेचारे, वो भी काफ़ी मेहनत किए और 5 मशीनें प्लस फायर ब्रिगेड 6 मशीनों के द्वारा ये इतनी बड़ी बकरी पर काबू पाया गया। लेकिन नाश होने के बाद भैया इसमें सामूहिक परिवार था, सब लोग इसी में रहते थे, दाना भूसा अपना सब रखते थे, जगह जगह अपना एक एक कुटका बना के रहते हैं, लेकिन खाने पीने की पहनने की सारी सामग्री इसी में रहती है। सब मिला जुला करके कम से कम बहुत कम तो 30 क्विंटल से ज़्यादा अनाज और कम से कम मोल भी खरीद करके जानवर इतना थे 50 क्विंटल सब मिला करके और कपड़ा लगता चावल ऊपरी माने खाने की सारी घरेलू सामग्री सब बताइए जो आग लगने का कारण कुछ पता चला? कारण सर पता नहीं चला, आग धक्की हम लोगों को पता हल्ला हुआ, हम लोग आए तो देख के लेकिन कारण